next question is construct a rhombus with side 7 cm and one diagonal 10 cm. Measure the other diagonal. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रॉम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, जो रॉम्बस की चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है और हमें इसकी एक डायगोनल गिवन है जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमारा रफ डायग्राम है, इसकी साइड्स हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। जैसे कि रॉम्बस की चारों साइड इक्वल होती है तो इसकी सभी साइड 7 सेंटीमीटर होगी और इसकी जो हमें एक डायगोनल गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। ये जो डायगोनल है वो है 10 सेंटीमीटर। अब हम रॉम्बस जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो रॉम्बस कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो डायगोनल है उसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप स्केल से मेजर करके डायगोनल, ये जो डायगोनल है उसको ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ए सी। हमने एक डायगोनल ड्रॉ करी है जिसकी लेंथ हमने ली है 10 सेंटीमीटर। स्केल की हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर लेना, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और स्केल लेंगे। स्केल पे नीडल को पुट करेंगे, स्केल पे नीडल को पुट करेंगे 0 पे और कंपास को हम वहाँ तक ओपन करेंगे। हमारी साइड्स की लेंथ है 7 सेंटीमीटर तो कंपास को हम 7 तक ओपन कर लेंगे और फिर हम ए को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक हाथ ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक हाथ नीचे की तरफ लगाएंगे। सेम यही चीज़ थर्ड स्टेप के अंदर हम फॉलो करेंगे पॉइंट सी से। पॉइंट सी से भी सेम लेंथ होती है इसीलिए हमें फिर से कंपास से मेजर करने की जरूरत नहीं है। वही 7 सेंटीमीटर ऊपर का हुआ वो रखा है और उसी को हम एक बार 7 को सेंटर सी सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर ऊपर की तरफ कट करेंगे और दूसरी आर नीचे की तरफ कट। तो हमें ये जो हमने दोनों आर्क काटी है वो हमें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी। ये जो पॉइंट है इन पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट बी और पॉइंट डी। अब हम ये जो हमारे पॉइंट मिले पॉइंट बी और पॉइंट डी इनको ए और सी से मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो रॉम्बस हमें मिला है, ये हमें जो रिक्वायर्ड रॉम्बस था वो है जिसकी साइड्स हमें सारी साइड्स जो है वो 7 सेंटीमीटर है और जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर गिवन थी। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट डायगोनल हमें होगी, दूसरी जो डायगोनल होगी वो भी डायगोनल बी डी। इस बी डी डायगोनल को हमें स्केल से मेजर करके लिखना है कि वो कितनी सेंटीमीटर की है। इसके बाद हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। जैसे हमने जो जो स्टेप यूज करके हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है उनको हमें लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होता है। Required rhombus.